एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नवजग भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस आज सुबह सुबह उठते ही मुझे इतनी अच्छी न्यूज मिली, मतलब मम्मी ने मुझे बोल के मेरा दिल ही खुश कर दिया। मम्मी थैंक यू सो मच, तुमने जो मुझे बताया उसके लिए। मम्मी ने मुझे बताया कि नौशीन यहाँ पे तेरा कपड़ा इस्त्री कर दिया। मतलब माशाल्लाह, नहीं बताऊंगा अभी खुशखबरी बेटा, बताया नहीं हूँ मैं। इतना अच्छा लग रहा है मुझे माशाल्लाह। तो मम्मी ने मुझे बोले कि नौशीन पर कपड़ा 7 रुपए लेने का बिजनेस करी, उसका यूट्यूब नहीं चल रहा इसके लिए, तू समझ। तो मैं बोला माशाल्लाह मेरी बहन तरक्की करने वाली है। एक चीज है, मैं इसके कपड़े इस्त्री करते करते ही सीखी इस्त्री करना। हाँ तो बेटा इस्त्री भी तो मतलब मैंने ही सिखाया। हाँ। देख रहे हो मतलब गाइस, चलो गाइस नौशीन का धंधा यूट्यूब का बंद हो रहा है, तो माशाल्लाह मेरी बहन ने नया बिजनेस चालू करी है। 7 रुपए पर कपड़े का बिजनेस है गाइस। और अभी अब्बा का भी कपड़े इसने इस्त्री करी थी, बट अब्बा उल्टा होके सो गए, तो अब्बा के कपड़े की इस्त्री खराब हो गई। तो कोई बात नहीं, सो गाइस नेक्स्ट टाइम अगर किसी को कपड़े इस्त्री करना हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट नौशीन एंड दानिश। दानिश घड़ी मारता है, ये इस्त्री करती है, ठीक है। दोनों मियाँ बीवी साथ में मिलकर काम करते और हाँ इस्त्री मम्मी किया और वो छोड़े थी। मैंने लाया था ये वाली इस्त्री भी, मेरी चॉइस है, मतलब पैसा मम्मी नहीं दिए, चॉइस मेरी है, मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ समझे। और मम्मी ने खोले है टपरी, मम्मी को चाय बनाना भी मैंने सिखाया होगा। रेड लेबल की चाय पत्ती भी मैंने लाया। मैं बोला मम्मी ये वाली चाय पत्ती से बनाओ, शक्कर भी नई वाली मैंने लाया। और मम्मी को बोला कि टेट्रा पैक में दूध बनाया करो, वो दूध गाढ़ा रहता है, ऑलरेडी रिफाइंड है, तो उसमें चाय अच्छी बनती है। तो मम्मी कितने रुपए में बेचने का प्लान है? इसका 7 रुपए का धंधा है, तुम्हारा कितना? 10 रुपया कटिंग, 15 रुपए, 10 रुपए। चलो ठीक है, 5 रुपए मेरा आइडिया मैंने दे दूंगा टपरी का, समझे। तो गाइस नौशीन ब्लॉगिंग करते करते इस्त्री कर रही है, मम्मी चाय बनाते बनाते ब्लॉगिंग करेंगे। आवाज देना, चाय वाला कटिंग चाय 10-7 रुपए ये इस्त्री। जो लोग इसके पास कस्टमर आएंगे, जो इस्त्री कराएंगे, वेट करेंगे, मम्मी बोलेंगे आओ जब तक चाय पी लो। गाइस चलो मेरा भी नाश्ता आ चुका है यहाँ पर, मैं भी फटाफट नाश्ता कर लूँ, फिर निधा को कॉल करेंगे और निधा को लेके जाएंगे थोड़ा बाहर, हमें थोड़ा काम है और मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के व्लॉग में, तो व्लॉग एंड तक देखना। तो गाइस अभी तो मैं फिलहाल हंस हंस के व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अगर मुस्कुराऊंगी तो ही आप लोग भी मुस्कुराएंगे, राइट। पर अंदर का दर्द मुझे छुपाना पड़ रहा है कि मैं तबीयत बहुत डाउन है आज। कल रात से मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई है, वो सारी चीजें मैं व्लॉग में नहीं डाल सकती थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो सारी मोमेंट्स मुझे आपके साथ शेयर इसलिए नहीं करना है कि वो आप, मैं बोलूंगी तो आप समझ जाओगे, वो बताना नहीं है मुझे, बिकॉज ऑब्वियसली वो थोड़ा किसी को अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए कि क्या सब कुछ शेयर कर रही है। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सब कठिनाई बढ़ते जा रही है। पर खैर कोई नहीं, मैं अभी अंदर बेडरूम में हूँ, बाहर जैसे कि मेरी मम्मी का वॉशरूम का पाइप टूट गया था, तो मैं बाहर नहीं बैठ सकती, इसलिए मम्मी ने अंदर मुझे नाश्ता ला के दिए, बोले फटाफट नाश्ता कर फिर सुफियान आएंगे, तो मैं उनके साथ जाऊंगी बाहर, बिकॉज ऑब्वियसली देखते हैं वो मुझे कैसा ट्रीट करते हैं। आज टाउन में मैं इतनी टाइम बाद बीमार पड़ी हूँ, मुझे बोल रहे थे कि मैं बाहर तुम्हें लेके जाऊंगा थोड़ा सा तुम्हारे को शॉपिंग वॉपिंग कराने के लिए, तो मैंने थोड़ी हिम्मत की, मैं बोली नहीं हूँ बेड पे रहूंगी तो फिर बेड पे पड़े रह जाऊंगी, अभी यहाँ आई हूँ तो थोड़ा जो भी काम भी है थोड़ा बहुत वो भी देख लेती हूँ ब्रांड के लिए, और फिर साथ ही साथ अगर मेरा खुद का थोड़ा शॉपिंग हो रहा है तो वो भी कर लेती हूँ। तो गाइस मिलते हैं आपको जब सुफियान आएंगे तब। ओ चाय वाले चाय, अरे चाय किधर है? एक्सक्यूज मी, चाय किधर है? चाय आ गई, अरे आई ये ऐसा बिजनेस करोगे ना मम्मी नहीं चलेगा, इतनी लेट को चाय देता है क्या? गरम कड़क चाहिए, दांत तो नहीं टूटेंगे ना मेरे? सो गाइस हमारी मसक कली की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मेरे को समझ में नहीं आता है, अब्बा सुबह 9 बजे उठ जाते, 8 बजे उठ जाते, 8 बजे उठ के पूरी जगत का घूम फिर के आते, 1 बजे आके सो जाते। मेरे को समझ में नहीं आता है सोते क्यों दोपहर में आके। हाँ लेकिन जब दोपहर में सोना ये तो जल्दी उठते ही क्यों रहे, दोपहर में उठो ना फिर। नहीं सोते हैं, अभी आज सोया था, गर्म अभी उम्र हो गए ना, थक गए रहेंगे थोड़ा जिम जिम जाके, समझ। सो गाइस फाइनली मैं निधा को लेने आ चुका हूँ, और निधा को मैं यहाँ पर लाया हूँ जूस पिलाने, क्योंकि उसको जूस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे जूस बन रहा है, कौन सा जूस बन रहा है बेटा तुम्हारा? कैरेट बीटरूट और उसके अंदर पुदीना। वाओ, कैरेट तो मैं कटता ही नहीं पीऊँ, कैरेट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेटा? यहाँ से जाएंगे हम लोग ब्रांड की और मेरी शॉपिंग करने। इतनी शॉपिंग निधा, हाथों पे तुम्हारी शॉपिंग की यार। गाइस कट। So guys, आज हम लोग ने निधा का ब्लड टेस्ट कराया है, बड़ा ब्लड बताओ इधर, एक इधर और दूसरा इधर, ठीक है। कल निधा की सोनोग्राफी है तो हम लोग ने ब्लड टेस्ट आज ही करा, उसकी हालत इतनी खराब हो गई है, अभी चक्कर आ रही है, भूख लग रही है। बात तो नसी भी मिल रही थी मेरी, कहाँ घुसाई है उसने, बोले कहीं से तो लूंगी मैं, यहाँ से निकाले तो इतना सा आया, यहाँ घुसा है। चलो कोई नहीं, अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
सो गाइस ब्लड टेस्ट करा के हम लोग आ गए हैं मेरे घर पर। मुझे भी बहुत भूख लगी और सुफियान को अभी जाना पड़ेगा। सुफियान अभी तुम जाओ ब्रांड के फैब्रिक के लिए और मैं और डड्डू जाएंगे मेरी बर्थडे की शॉपिंग के लिए। और आते साथ मम्मी ने बेचारे फटाफट खाना बनाने लग गया। मैं खाना खाऊंगी फिर जाऊंगी। थंबनेल बनाओ फटाफट। तो गाइज मेरा खाना आ चुका है और ये है बैंगन भाजा। बैंगन भाजा मतलब बैंगन फ्राई बोलते हैं इसको, बट कोई दूसरी जगह पे बैंगन भाजा बोलते हैं। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हमेशा पसंद आता है मुझे नॉर्मल राइस घी और बैंगन भाजा खाने में। आहा अलग ही मजा है। सो गाइज फाइनली मैं अपने ब्रांड का काम पटा के मैं आया हूँ घर पे और आप लोग हालत देख रहे हो मेरी, मैं इतना भीग चुका हूँ। सुबह से मैंने खाना तक नहीं खाया हूँ, मैं खाली यहाँ पर सुबह चाय नाश्ता पिया था और निदा के घर पे मैं थोड़ा सी पुलाव खाया था। अब यहाँ पर आके इतनी भूख लगी मम्मी को, अच्छा घर में खाना बना हुआ था वरना ऑर्डर करना था ना एकदम भूख के मारे खत्म हो गया होता। और ये हमारी मसक काली लुंगी पहन रहे हैं यहाँ पर, देखो मुंडी वहां पलटा गया मुंडी अब्बा की लुंगी में खड्डा है। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ निदा के घर पे और गाइस आज हम लोग ने जो निदा का एक ब्लड टेस्ट किए थे वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है और हम लोग को आज पता चला कि निदा का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। हम लोग इतने साल से, 4 साल से मैं उसके साथ में हूँ, चलो मैं तो 4 साल से हूँ, वो बचपन से पैदा हुई है, वो 26 साल की है, उसको 25 साल की है, 24 साल की है, बस 18 साल की है, 18 साल की है, हाँ ठीक है 18 साल की है। इसको लग रहा था कि इसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। निदा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि तुम इतने दिमाग वाले कैसे हो। अली और मेरा दोनों का सेम है, दिमाग वाले कैसे हो। ओ पॉजिटिव रेयर है, हम लोग रेयर स्पीशीज है। कोई बात नहीं, मेरा तो बी पॉजिटिव यार। और गाइस निदा के ब्लड रिपोर्ट में थोड़ी बहुत चीजें आई है जो कि हमें मालूम पड़ी है। निदा का हेमोग्लोबिन कम। हेमोग्लोबिन क्या होता है बेटा? ब्लड कंफर्म। हम लोग को ये भी नहीं पता है कि हेमोग्लोबिन क्या होता है। मैं साइंस पढ़ी हूं। मतलब गाइस अभी पता चल रहा है, पढ़े हो। मतलब गाइस हम लोगों को अभी पता चल रहा है कि बॉडी में जो अपने सिस्टम है वो सिस्टम के नाम क्या क्या है। इससे पहले मेरे को कुछ नहीं पता था। मेरे को मालूम था हेमोग्लोबिन प्लेटलेट। तभी तुम पूछ रहे थे हेमोग्लोबिन क्या होता है। मम्मी बोले मेरे को फिर ब्लड होता है। वही जेन्युइन सच बोलो कि हमें नहीं पता था। हमने नाम सुने हेमोग्लोबिन क्या होता है, फिर अपना अच्छा वो सब प्लेटलेट्स क्या होता है, व्हाइट सेल्स ब्लड ब्लैक सेल्स, मुझे सब पता है, मुझे भी सब पता है, बट हमें ये नहीं पता है इसका वर्किंग कैसा है, ये एक्चुअल में होता क्या है, बॉडी में किधर क्या काम करता है। गाइस सच्ची बता रहा हूँ, मैं भी साइंस पढ़ा बट बायोलॉजी नहीं पढ़ा हूँ, कंप्यूटर्स पढ़ा हूँ, कंप्यूटर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है निधा, मेरे को क्या लगता है, मेरे को पता नहीं कल अपन सोनोग्राफी लेके जा रहे हैं, ठीक है, और मेरे को ना छिच करके फिर आवाज आई। निधा हाँ सॉरी मैं डर यार, इससे पहले भी गाइस दो बार ऐसे छिच करके आवाज आई थी। तो गाइस मैं बता रहा हूँ निधा, मेरे को लग रहा है क्यों पता नहीं मुझे ऐसी एकदम फीलिंग आ रही है कि हमें ट्विन्स है। हो सकता है क्योंकि जिस दिन हम लोग को मालूम पड़ा था सुफियान वॉज वेरी एक्साइटेड, तो सुफियान ने बोले कि चलो ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो वो ब्लड टेस्ट में मेरा जो HCG लेवल है वो बहुत ज्यादा है। मतलब है ना, हम लोगों ने ना रिसर्च किए थे, ऐसा रिसर्च था कि 300 के अंदर आपका HCG लेवल हो तो होता है लड़का, 300 से 500 के बीच में हो तो होती है लड़की। तो हम इसका जो HCG लेवल था वो था 978। यस, तो मतलब इतना हायर HCG लेवल का मतलब होता है, ऐसा होता है कि फर्स्ट सोनोग्राफी में नहीं पता चलता है, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है हमें सेकंड सोनोग्राफी में पता चलेगा। काश, मतलब हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस होप फॉर द बेस्ट कि कल सोनोग्राफी जाएंगे। तुम बोलो ना चुपचाप, तुमको ऐसा है कि तुमको चाहिए, इंशाल्लाह सबको चाहिए गाइस। मतलब ट्विंस बहुत रेयर होते हैं गाइस, मतलब बहुत रेयर होते हैं, जो साथ में रहते हैं, साथ में नए कपड़े पहनते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में बात करते हैं। मेरे जैसे ट्विंस होंगे ना तो चलेगा, इनके जैसे होगा मैं घर छोड़ के यहाँ आ रही हूँ, ये अपने बच्चों के साथ वहाँ रहेंगे, पूरा घर तोड़ फोड़ कर दो फिर कुछ भी करो, मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इसके जैसा दो और नहीं सह पाऊंगी मैं। हम लोग तीन हमला, मतलब गाइस घर को ऐसा उथल पुथल करेंगे अगर हम लोग तीन हो गए तो, एक से भले मिस्टर नहीं, मिस्टर धड़पड़े एंड दोनों धड़पड़े पार्ट 1 धड़पड़े पार्ट 2 नहीं 2.0 iOS का अपडेट हो जाएगा सीधा 17.8.1 ऐसा 2.0.2 नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन एक चीज मैंने लाइफ में ना सीखा हूँ कि इंसान जितनी जो चीज से नाक लगाता है ना, कि मतलब ये नहीं हो ये नहीं हो नहीं है, उसके साथ वही मैंने भी नाक लगाई थी। मुझे ऐसा था कि बॉम्बे के लड़के लोग जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब अग्रेसिव होते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं सोची थी कि कभी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जो बॉम्बे में रहता होगा, और वही हुआ उसके साथ, शादी करके मेरा बच्चा है, माई प्रोडक्शन।
सोचो ना, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मच्छी को पूरा दिन ऐसा निहारता रहता है, जब तुम्हारा बेबी होगा, तुम्हारा हाथ में जब प्रोडक्शन आएगा तुम्हारा, तो तुम बच्चे को देख के बोलोगे, पूरा टाइम ऐसा देखते रहेगा, ये मेरा है, ये मेरा है। सोचो ना गाइस, मतलब कितनी अच्छी फीलिंग होगी वो, जब इंसान की खुद की शक्ल, खुद के फीचर, माँ बाप बोल रहा हूँ ना, मेरा अकेले गाने बोल रहा हूँ, माँ बाप की फीचर जब वो बच्चे के अंदर दिखेंगे, मतलब इंसान कितना खुश होगा। मतलब मैं सोचता हूँ कि माँ बाप कितना खुश होते होंगे जब हम लोग पैदा हुए थे, देख के यार ये हमारा बच्चा, ये हमारा मेरा बच्चा। तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा था मेरा जब मैं बचपन में छोटी थी, बहुत अच्छा। बड़ा होते हुए देख लो गाइस ऐसा है। अभी भी अच्छी थी समझो ना, वो सिर्फ प्रेगनेंसी के पर्क्स है। हाँ तो गाइस अभी मम्मी डैडी बाहर गए थे तो लोग भी आ चुके हैं। हाय जादू, हेलो। बाहर से आए, स्पाइडर्स लेके आए और तुमने खा ली, तो उनको फिर बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, खाऊंगा उतरूंगा फिर खाऊंगा। वो मैं उनको सिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा खाने का, फिर जाने का, फिर आने का, आधे घंटे में खाना चाहिए। हाँ, दो दो घंटा बहुत ज्यादा हो जाए। हमारे घर में ये भी प्रेग्नेंट है, तुम भूल जाते हो क्या? मटका नहीं दिख रहा तुमको 9 महीने का? कम हो गया बेटा, नजर लग गई। भूख का कोई इलाज नहीं होता। हम इसको तो दामाद को हमारे घर में सोना खिलाते। बता जरा बेटा, सोना अच्छा सोना हम लोग कहाँ, बता दो, गोल्ड मारी गोल्ड। तो गाइज मेरी मम्मी, वो आपको मालूम है 3 इडियट में वो जो था आदमी, वो चटनी गिरा देता था। मैंने ये मेरे 2.5 लाख छोड़ो, मेरे 2.5 लाख से पेरिस से जूते लिया था। वैसा मम्मी भोरी मुल्ले का आई दुनी का, वैसा मेरी मम्मी है। तो गाइज क्या कर सकता है, उनकी बेटी ढोकला कहाँ से लिए बेटा? क्यों? एड्रेस भी बता दो। ढोकला उन्होंने बनाया के बाहर से लेकर आए, बताएंगे तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा, भोरी मुल्ले का ढोकला अच्छा मिलता है, पब्लिक को मालूम होगा। किसके धंधे में बरकत देंगे ना, किसका एडवर्टाइज करेंगे, तो उनके नसीब से अल्लाह अपने को भी बरकत देगा। आमीन आमीन। हर खाने वाले भी तो नाम तो बता दो अभी, फिर नाम याद नहीं है। बरकत मिलेगी। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ मेरे घर पे, और आप लोगों ने देखा कि हमारा रूटीन कैसा हो गया है। हम लोग, मैं सुबह यहाँ से उठता हूँ, निदा को लेने जाता हूँ, फिर हम लोग काम पटाते, फिर निदा से मिलता हूँ, और मैं फिर मेरे घर पे आता हूँ, फिर मैं सोता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, फिर वही सेम रूटीन। और मेरे घर में सब लोग सो चुके हैं, चलते हैं अंदर और व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you.